जो मुस्कुरा रहा है कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं मिल सकती, जो जला रहा है उसी दिए से उजाला होगा। स्वागत है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही प्यारी बात लिखी गई है कि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई 2019 से लेकर 30 जुलाई 2019 तक जो है जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको लेके हम आए हैं दोस्तों। तो इसमें जो है हम टारगेट प्रीलिम्स 2020 का एक क्रैश कोर्स है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूं, मेन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हमारा चल रहा है। जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए आप IAS डेली मेन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव से। तो दोस्तों आज का जो आंसर ये वीडियो है उनमें कई प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न यह है कि राइट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, कमेंट ऑन द यूनिक फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन चंद्रयान 2 मिशन। तो इस पर जो है आप मेंस आंसर लिख के जो है आप हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे जो है मैसेज कीजिए। आपको जो है उसका इवेल्यूएशन पूरा कॉपी भेजने के 10 मिनट के अंदर, करीब करीब एक घंटे के अंदर, 10 मिनट नहीं बोल पाऊंगा, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों का धन्यवाद कि आपने हमारे 1000+ सब्सक्राइबर आप लोग हो चुके हैं। आप 2000 के पार हम होने वाले हैं। हमसे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप आइए सर्च कीजिए फेसबुक पर आप IAS 14 और आप IAS यूट्यूब पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो आइए दोस्तों आज के जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आकाश मिसाइल, कुसुम स्कीम और इंडो चाइना डिस्प्यूट, एंटी डिफेक्शन लॉ, RTI अमेंडमेंट बिल 2019। तो ये टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जो है लॉन्च किया है। तो इसमें जो है हाल ही में जो रिपोर्ट ये आई हुई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपाइल कौन करता है और कैसे, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से रहता है। तो ये कंपाइल की जाती है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो कि 180 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ को कवर करते हुए ये करता है। इसके अलावा जो है ये इवेल्युएट करता है कि नंबर कितनी कंट्री में जो है जर्नलिस्ट के लिए सेफ़ हैं, मतलब डिक्लाइन कितनी और हो रहा है, जैसे कि कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी है उसमें डिक्लाइन हो रहा है, ये डिनोट करती है। तो इंडिया की जो रैंक है हाल ही में 140 से लेके 138 हो चुकी है। तो दोस्तों ये इंडिया के लिए भी एक कंसर्न है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस में आपको बता चुका हूँ निकाल दिया। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो इसके ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि जर्नलिस्ट जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है थ्रेट फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंट्रीज रिगार्डेड जो फेस जो कि जर्नलिस्ट से रिगार्डेड सेफ मानी जाती थी वो अब डिक्लाइन में है। इसके अलावा हेट्रेट और वायलेंस जो है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जो है लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा इंडिया जो है 2 पोजीशन डाउनग्रेड हुआ है, 148th से जो है 138th हो चुका है। दोस्तों 148th से यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस ये हैं कि जो इंडिया में उन्होंने बात किया है तो हिंदुत्व सपोर्टर की कैंपेन्स का राइज होना और जर्नलिस्ट को ये खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो है पूरी कंट्री में जो है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बना रही है जर्नलिस्ट के प्रति। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक प्लोरलिस्टिक सोसाइटी है, जो डायनेमिक सोसाइटी है, उस पर भी ये खतरा बन रहा है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा अगला टॉपिक हमारा आ जाता है जो भी इम्पोर्टेंट था हम डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स से कि वो पब्लिश करती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और उसमें इंडिया की रैंक जो है 138th हो चुकी है। तो ये जो है इसके ऑब्जर्वेशन भी हम बात कर चुके हैं। बात आते हैं आकाश मिसाइल जो कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है बनाई गई है। तो ये आकाश मिसाइल क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं आकाश मिसाइल, क्योंकि ये बहुत से क्वेश्चन UPSC के रहते हैं। तो ये आपका पार्ट बनता है GS3 अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ स्पेस का ये पार्ट बनता है। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, STA मिसाइल आप याद कर लीजिए इसको, और मल्टी टारगेट मल्टी डायरेक्शनल ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम है। तो ये मैक नंबर 2.5 है इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा ये कैपेबल है एरियल थ्रेट अप टू डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर को टारगेट करने के लिए, इसे DRDO ने बनाया है और ये मीडियम रेंज मिसाइल है। इसके अलावा ये ये कैपेबल है तो एनिमी फाइटर जेट्स को और जितने भी ड्रोन्स हैं उनको ग्राउंड से ही जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये पॉइंट्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए अगले बात करते हैं कुसुम स्कीम की। तो कुसुम स्कीम जो है उसका मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं
उत्थान महाभियान, इसके बारे में ये आज हम रिवाइज कर रहे हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में आती है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है टू प्रमोट एनर्जी सफिशियंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, इरीगेशन एक्सेस टू फार्मर्स, इसके अलावा जो है फार्मर में डिस्पैरिटी को कम करना अमंग द स्टेट्स, और इसमें जो है सोलर पंप्स और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का जो है डिप्लॉयमेंट करना। और ये क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये प्रोवाइड करती है ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स प्रोवाइड करती है विद कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट्स इन रूरल एरियाज। इसके अलावा जो है ये स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करती है, ताकि जो है फार्मर्स जो है ग्रिड से कनेक्टेड हो जाएं। इसके अलावा सोलराइजेशन के लिए एग्जिस्टेड ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम करती है, और ग्रिड को जो है इंडिपेंडेंट बनाने की ये बात करती है, ताकि जो फार्मर्स हैं उससे सरप्लस इनकम जो है वो कमा सकें। तो इसके इश्यूज जो हैं इससे रिगार्डिंग वो क्या क्या हैं, ये पॉइंट्स जो हैं आपके लिए जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसे चला रही है, और इसके कुछ मेजर एम्स और जो ये क्या क्या प्रोवाइड करती है। मगर ये जो इशूज़ हैं ये आप मेन्स आंसर राइटिंग के लिए जो है आप लिख सकते हैं। तो ये फिल्टर्ड हम कंटेंट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ जाएँ कि ये मेन्स और प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट तो देखिए इशूज़ ये है कि गवर्नमेंट की पावर सप्लाईज के बावजूद जो है फार्मर्स को जो है इसका बेनिफिट अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो फार्मर का जो बेनिफिट ना मिलने का कारण है स्पेशली जो है फार्मर्स कहाँ के फार्मर्स जो है स्पेशली इसको फार्मर्स का बेनिफिट ना मिलने का कारण यह है कि फार्मर्स जो है लगातार जो है डीजल और मैकेनिकल चीज़ें जो है लगातार इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इंडिया जो है आधे से ज़्यादा जो है वो इन इरीगेटेड है फील्ड्स पूरे। तो कुसुम स्कीम के अंतर्गत, कुसुम स्कीम क्या है देखिए, कुसुम जो है किसान सुरक्षा एवं ऊर्जा मातृत्व अभियान, तो इसके शॉर्ट नोट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो कुसुम स्कीम जो है वो एनर्जी सफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी इरिगेशन के लिए फार्मर के लिए लाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा स्कीम जो है वो पावर के लिए जो है पावर ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है बैरन लैंड के लिए जो है फार्मर्स को जो है प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स। इसके अलावा जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड सोलर प्रोडक्शन पे बिलीव करती है, और 10 ईयर की ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा जो है ये लॉन्च की गई है। तो दोस्तों आगे जानते हैं कुसुम स्कीम्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। देखिए इसके सॉल्यूशंस ये है कि इंडियन इरिगेशन की जो सिस्टम है तो उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया तो इंडियन इकोनॉमी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इक्विटी और ये डिज़ाइन और प्रूडेंस अप्रोच से जो है ये सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है फार्मर को मिलनी चाहिए, जिनकी की स्मॉल लैंड होल्डिंग है, जिसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री जिन्हें जो योजना अभी अभी चलाई थी उसके अंतर्गत जो है सभी किसान्स को जो है 4,000 से 6,000 रुपये जो है सरकार ने अभी अभी दिए हैं। इसके अलावा देखिए वन साइज फिट अप्रोच वन साइड ये क्या है कि ये एक अप्रोच ऐसी है जो कि सभी जगह फिट हो जाती है। इसके अलावा देखिए कुसुम जो है ग्रेटर फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्मॉल फार्मर्स को, इसको 60% सब्सिडी जो है बहुत सेंटर और स्टेट को, और 10% डाउन पेमेंट और 30% जो है लोन पे, यानी कि 90% टोटल जो होता है वो फार्मर्स को मिल जाता है। इसके अलावा देखिए हायर कैपिटल सब्सिडी जो होती है फार्मर्स के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जो होती है, और इंटरेस्ट लोन के लिए जो है फार्मर्स के लिए मिल जाती है। इसके अलावा रीथिंकिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ग्रिड कनेक्टेड पंप्स जो है उसके लिए जो है फार्मर्स को जो है पंप लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, और ये लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो कुसुम के जो आपके सॉल्यूशंस हैं देखिए उसमें क्या बात की गई है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था उससे हमने ये पॉइंट्स रिलेवेंट लिए हुए हैं। तो कंक्लूजन जो है ये वो ये रहना चाहिए कि कुसुम शुड नॉट रिजॉल्व द इशू ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ अ फार्मर विद अ शॉर्ट राइटेड ऑब्जेक्टिव, इफ डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ बेटर वे इट कैन होल्ड पोटेंशियल टू कैटापल्ट द इंडियन इरीगेशन इकोनॉमी फ्रॉम एरा mired in the perpetual subsidy, unreliable supply and inequitable distribution of resources to a regime of affordable, reliable, equalized access to energy and water। तो दोस्तों ये आपके लिए ये जो पैराग्राफ हम लाए हैं तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्डर पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, मेंस फॉर्डर हम इसको बोलेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि मेंस फॉर्डर के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए आगे बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। तो ये पब्लिश किया जाता है वाइपो इंसेट और CII के द्वारा। इंडिया की रैंक जो है इम्प्रूव हुई है 57th से 55th हुई है, और इंडिया जो है मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। तो देखिए
सेंट्रल साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल साउथ एशिया ये वाला पोर्शन आ जाता है दोस्तों। देखिए ये किर्गिस्तान से लेकर ये पूरा जो एरिया आ जाता है ये पूरा सेंट्रल साउथ एशिया और ये आ जाता है इंडिया। तो इंडिया जो है इंडिया की पोजीशन लगातार सुधरी है। तो अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं कि इंडिया जो है 52 रैंक आया है और इंडिया की रैंकिंग का राइज जो है लगातार पिछले कुछ सालों से है और ये रैंक 81 थी 2015 में, 66 हुई 2016 में और 60 हुई 2017 में, 57 हुई 2018 में और अभी ये हो गई है। और ये लाता कौन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंसेट और CII इसे लाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के जो इनोवेटिव्स और ड्राइवर्स हैं वो क्या हैं, ICT सर्विसेज एक्सपोर्ट, ग्रेजुएट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, क्रिएटिव गुड्स एक्सपोर्ट और टॉप्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स इन मुंबई, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। तो इनोवेटिव ड्राइवर इसमें इन्होंने क्या कंसिडर किए हैं, ये सभी ड्राइवर्स इंडिया के लिए जो है वो कंसिडर किए गए हैं। तो आइए आगे जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया चाइना टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट की। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि GS2 की जब हम बात करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ की सिक्योरिटी इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं, तो ये जो एरिया है तो ये श्रीनगर वाला जो एरिया है वो कश्मीर, हम इसको डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि डिस्प्यूट कैसे कैसे इंडिया का है। तो डिस्प्यूट की जब हम बात करते हैं इंडिया के डिस्प्यूट की, तो इंडिया का जो डिस्प्यूट है वो बहुत से तीन सेक्टर्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं दोस्तों, देखिए सेंट्रल सेक्टर है, ये ईस्टर्न सॉरी जो आपका यहाँ पे देखिए ये वेस्टर्न सेक्टर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। तो ईस्टर्न सेक्टर अब देखिए इसको हम किस तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो एरिया है ये तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था, मगर ये जो है ये जिसे हम कहते हैं सियाचिन वाला एरिया जो है, सियाचिन तो ये वाला एरिया हो गया, तो ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये जो था चाइना ने, पाकिस्तान ने जो है ऑक्यूपाई किया और इसको जो है चाइना को दे दिया। इसके अलावा देखिए ये जो एरिया है इस पर पाकिस्तान का कब्जा फिलहाल है, इसे POK कहा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा ये जो एरिया है ये अक्साई चीन है जहाँ पर चाइना ने 1965 की लड़ाई में जो है ये एरिया ले लिया था और ये यहाँ पर जो है डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और अरुणाचल प्रदेश का ये जो पार्ट है ये भी जो है चाइना इसको पे क्लेम करता है, जब टिबेट की इंडिया बात करता है कि टिबेट इंडिपेंडेंट देश है तो वो कहता है कि इसे ईस्टर्न टिबेट कहा जाता है और ये जो है इंडिया का पार्ट नहीं है, ये जो है चाइना का पार्ट है। तो जम्मू कश्मीर का इतना सा पार्ट जो है इंडिया के पास अभी फ़िलहाल में है, तो ये पाकिस्तान का एरिया भी जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, मगर हम इसे डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियाज़ एंड इट्स नेबरिंग कंट्री GS2 और GS3 सिक्योरिटी इशूज़ से भी रिलेटेड हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैकमोहन लाइन आपको याद रखनी है कि बिटवीन इंडिया एंड चाइना है। तो और एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल और चाइना के साथ जो हमारी यहाँ पे है वो LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों ये दो पॉइंट बिल्कुल याद रखिए कि चाइना के साथ LAC है ना कि पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो है वो LOC है और यहाँ पे जो है LAC है। और दोस्तों एक कॉमन सा भ्रम ये है कि ये पूरा POK है दोस्तों, ये जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान है, ठीक है, ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है और POK जो है हम इसको इतना सा कहते हैं POK, इसको ये है POK असल में, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान को जो है वो आज भी पाकिस्तान इंडिपेंडेंट टेरिटरी मानता है और यहाँ पे जो है ये POK है जो इंडिया से ऑक्यूपाई किया गया था। तो ये भी होने को जम्मू कश्मीर का पार्ट है मगर इसको POK में नहीं, इसको गिलगित बाल्टिस्तान में काउंट किया जाता है दोस्तों। तो आगे जानते हैं दोस्तों बॉर्डर डिस्प्यूट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो हाल ही में देखिए जम्मू कश्मीर का नया नक्शा जो है पास किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो नया नक्शा है उसमें जो है POK को भी अपना पार्ट दिखाया गया है, क्योंकि POK हमारा इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ तक कि अक्साई चीन, जब जम्मू कश्मीर की बात हुई थी तो गृहमंत्री ने यह बात कही थी कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वो POK भी उसमें आता है और अक्साई चीन भी उसमें आता है। और एक बहुत ही मुझे जो अच्छा लगा था, क्या बात करते हो, जान दे देंगे उसके लिए, तो ये काफ़ी इंडियन सेंटीमेंट्स को ये दिखाता है। तो दोस्तों इसमें मगर एक डिस्प्यूट दोस्तों अभी अभी आया था, काला पानी डिस्प्यूट, जिसमें कि उत्तराखंड के कुछ पार्ट को नेपाल ने जो है वो क्लेम किया था, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ काला पानी डिस्प्यूट के ऊपर, तो वो डिस्प्यूट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो 10th शेड्यूल जो है वो इंसर्ट हुआ था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 विद द 52nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो है प्रोसेस ले करता है कि लेजिस्लेचर जो है किस किस ग्राउंड में अंडर द डिफेक्शन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको बाहर कर सकता है बाय द पिटिशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउस।
तो इस पे जो डिसीजन का जो क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ हाउस को रेफर किया जाता है। और इन द किहोतो होलो केस, जो किहोतो होलो केस हुआ था दोस्तों, उसमें जो है वर्सेज जिया चल्लू एंड अदर्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि स्पीकर के पास पूरी पावर है, मगर वो जुडिशल रिव्यू के सब्जेक्ट है। बट जो है ये लॉ जो है, ये लॉ जो है बोथ पार्लियामेंट और स्टेट के लिए जो है अप्लाई होता है। और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो है मेंबर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वॉलंटरी अगर मेंबरशिप देता है, और या फिर मेंबरशिप ज्वाइन करता है दूसरी पार्टी का, या फिर उसका वोट जो है लेजिस्लेचर के डायरेक्शन के कॉन्ट्रेरी है, तो जो है उसमें क्या होगा, पार्टी को पार्टी जो है उसे निकाल सकती है। मगर अगर मेंबर जो है इससे पहले ही 15 दिन पहले जो है वोटिंग से एब्सटेन कर देता है, तो वो मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है वो भी पार्टी से इलेक्शन ज्वाइन करने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है और 6 मंथ के अंदर वो ज्वाइन दूसरी पार्टी को नहीं करता है, तो वो भी जो है पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस पर जो एक्सेप्शन हैं वो क्या क्या हैं, पर्सन जो है अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज करता है दूसरी में और उसकी जो संख्या होती है वो 2/3 होती है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब एक्सेप्शन जो है वो 2/3 से नीचे जब होंगे तो वो जो है मान्य नहीं होंगे। तो दोस्तों ये इसके आप नोट्स बना लीजिए, ये बता रहा हूँ तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, तो यही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर UPSC उठा के सीधे सीधे सवाल पूछ देती है। तो मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब ये जो आपका मसला था वो क्यों जो है न्यूज़ में आया, क्योंकि जो पार्लियामेंट में जो है अभी हाल ही में जो है अंडर 10th शेड्यूल जो है कर्नाटका के 13 मेंबर्स को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके निर्णय को डिस्क्वालिफिकेशन को सही बताया, मगर उसमें ओवरआर्किंग पावर की जो बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ये कही गई थी कि आपने जो है एक मैटर में जो है अपना पावर जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर दी है। वो क्या क्या चीज़ें थी दोस्तों, वो ये थी कि जो है स्पीकर ने 5 साल का जो है टर्म जो है उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अप टू नेक्स्ट असेंबली जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरआर्किंग पावर कहा था। दोस्तों ये आपका पार्ट बनता है GS2 पार्लियामेंट स्टेट एंड लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर प्रिविलेजेस एंड इशूज अराउजिंग आउट ऑफ इट। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 में आता है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ 10th शेड्यूल इसमें जो है वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी और वोट्स और रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट द पार्टीज विल और इंडिपेंडेंटली जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी और आइदर ही इज़ अ नॉमिनेटेड मेंबर फेल्स टू जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स विल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है डिसाइड की जाएगी बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो ये डिसीजन जो है वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इसको जुडिशियल रिव्यू के लिए ये ओपन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द स्पीकर इज सोल अथॉरिटी एंड द लॉ एंड इट इज़ नॉट आ अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो ये बिल्कुल गलत है। तो बट अब डिफेक्शन क्या है दोस्तों, डिफेक्शन वो है कि अगर स्प्लिट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो डिफेक्शन तब नहीं कंसीडर किया जाएगा जब पॉलिटिकल पार्टी जो है मर्ज हो जाती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है क्रिएटेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी। इसके अलावा देखिए अगर ये जो भी है मेंबर जो रिज़ाइन कर रहा है वो अगर कोई भी मेंबर जो है जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टी अगर स्प्लिट हो रही है, तो अगर मेंबर रिफ्यूज़ कर देता है कि वो जो मर्जर हो रहा है उसमें ज्वाइन नहीं करेगा, तो भी उसकी मेंबरशिप जो है सुरक्षित रहेगी एट द टाइम ऑफ मर्जर। मैं आपको मर्जर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मर्जर जो है उसका अर्थ यह है कि 2/3 लोग जो है जब किसी भी पार्टी को जो ज्वाइन करते हैं तो उसको मर्जर कहा जा सकता है। अब इसके बारे में जो कंसर्न रेज किए जा रहे हैं वो क्या है कि इससे जो है MLA MP की जो इंडिपेंडेंस है वो सब ड्यूज हो रही है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स हैं वो मेंबर्स को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिए 10th शेड्यूल जो कि 1985 में इंक्लूड किया गया था वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है विप चीफ जो है लगाने की जो है बात कहता है कि आप जो है विप ऑफिसर जो है हर पार्टी का एक रहेगा। तो इसके अलावा देखिए मैनी मेंबर्स जो होते हैं स्पीकर से
कन्विक्शन की मांग करते हैं, इसके अलावा डिस्कशन जो है बेटर डिबेट्स पे उसकी मांग करते हैं, पार्लियामेंट में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसके अगेंस्ट जाता है। इसके अलावा देखिए इंडिया की जो डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, डाइवर्स कल्चर है, इसमें जो है ईच सेक्शन को अगर हमें वॉइस देनी है तो ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ एक बहुत ही गलत मैसेज यहाँ देता है। और एमएलए एमपी के लिए जो है रिसर्च करने की कोई बात ही नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें पार्टी की विप में जो है वो काम करना पड़ता है। तो अब अगला आर्टिकल हमारा है, अगला जो टॉपिक है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसमें क्या हुआ है, ये आपके कौन सा पार्ट बनता है, ये GS2 का पार्ट बनता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल्स सक्सेसेस लिमिटेशंस पोटेंशियल सिटीजन्स चार्टर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, तो इसका पार्ट बन जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है RTI अमेंडमेंट बिल लाई थी, जो कि पास हो चुके RTI अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। तो इसमें क्या हुआ, तीन जो की चेंजेस हैं 13 और 16 में जो है RTI एक्ट के जो है 2005 के जो है वो चेंज किया गया है। इसमें जो है सेक्शन 13 जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर के जो है टर्म को डिफाइन करता है, जो डिफाइन करता है कि अनटिल द एज ऑफ 65 और विच एवर अर्लियर, मतलब कि 5 या तो 5 साल होगा या फिर 65 जो भी पहले होगा। इसके अलावा जो 16 सेक्शन है वो डिफाइन करता है कि स्टेट लेवल का जो CIC है या इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी जो उम्र है वो या तो 5 साल होगी या फिर 65 साल जो भी पहले होगा। इसके अलावा जो है जो अमेंडमेंट न्यू प्रपोज करता है वो ये प्रपोज करता है कि अपॉइंटमेंट जो है बोथ की जो होगी वो ऐसे मैनर में होगी जो कि प्रेस्क्राइब की जाएगी बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें बहुत ही मेजर कंसर्न जो है वो उठाए जा रहे हैं RTI एक्टिविस्ट के द्वारा। जो सैलरी पे बात है तो सेक्शन 13 के अंदर सैलरी अनाउंस जो है उसके चीफ इलेक्शन कमीशन के बराबर हैं, बट अंडर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो इनके RTI CEC के जो चार्जेस होंगे वो पूरी तरीके से हो जाएंगे एज प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा देखिए जो सेक्शन 16 है वो ओरिजिनल एक्ट का ये प्रेस्क्राइब करता है कि CIC और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बराबर होंगे, मगर जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज करता है कि अलाउंस ऑफ CIC और IC जो है वो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों ही प्रेस्क्राइब किए जाएंगे सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि RTI अमेंडमेंट बिल के बारे में आपको बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया होगा। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट का रेशनल क्या है, गवर्नमेंट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो दोनों ही डिफरेंट हैं और उनकी जो पावर और स्टेटस है वो इक्वल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस जो है वो दिया गया है, बट उसकी जजमेंट को जो है हाई कोर्ट में, ये बहुत ही कॉन्ट्रेरी पॉइंट है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस तो दे दिया मगर जो है आपकी जो जजमेंट है उसको हाई कोर्ट के अंदर हम चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने जो रूलिंग दी है वो अमेंडमेंट प्रपोज करती है करेक्ट करने के लिए। इसके अलावा देखिए हाँ सिग्निफिकेंट कितना है RTI एक्ट, तो देखिए 14 ईयर हो गए हैं RTI को अभी तक जो है सक्सेसफुल रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में, और करप्शन और आर्बिट्री पावर पे जो है ये लगाम कस रहा है। इसके अलावा जो देखिए RTI एक्ट है उसने कॉन्स्टेंट चैलेंज दिया है मिसयूज ऑफ पावर और आर्बिट्रीनेस और प्रिविलेजेस और कवर करप्ट गवर्नमेंट को। इसके अलावा देखिए इसने जो है इन क्रिएटिंग मैकेनिज्म फॉर पब्लिक विजिलेंस एंड फंडामेंटल टू डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, इस पे भी जो है काम किया है। इसके अलावा देखिए रिजल्टेड इन फंडामेंटल शिफ्ट एम्पावरिंग ऑर्डिनरी सिटीजन गिविंग देम एक्सेस टू पावर। इसके अलावा देखिए द की इशूज रिलेटेड टू RTI एक्ट आर इंस्ट्रूमेंटल इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी राफेल्स फाइटर जेट। इसके अलावा देखिए अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट जो है 60 लाख एप्लीकेशन हर साल फाइल होती हैं और जो है सिटीजन के द्वारा, मगर उनके रिप्लाई नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए जो गवर्नमेंट कहती है कि इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट 80 RTI यूजर्स हैव बीन मर्डर्ड बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन यूजिंग ऑफ RTI। तो देखिए कितना ही शर्म की बात है, RTI एक्टिविस्ट का ही मर्डर किया जाता है यहाँ। और इसके अलावा देखिए अमेंडमेंट जो आए हैं वो डाइल्यूट कर रहे हैं पूरी तरीके से RTI एक्ट को, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न हो जाता है दोस्तों। तो इसके अलावा देखिए इसमें जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न रेज किए गए हैं दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो कृपया ये पॉइंट्स को आप एक बार ज़रूर पूरे तरीके से नोट कर लें। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल जो है वो ट्विन अटैक है आइडिया ऑफ फेडरलिज्म और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। तो फेडरलिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसके अंतर्गत जो है इंडिपेंडेंस जो है वाइटल पार्ट रखती है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का, और कमीशन जो है लॉ और स्टेटस पे जो है अथॉरिटी ऑफ पावर और फंक्शन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अलग अलग नहीं हो पाते हैं।
अब जब पावर की हम बात करते हैं, अगर पावर ही सेंट्रलाइज हो जाएगी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरीके से थ्रेटन हो जाएगी। अब इंडिपेंडेंस की जब हम बात करते हैं, इसको भी ये ओरिजिनल एक्ट जो है क्वांटिफाई करता था टेन्योर को, और इससे क्या होता था कि जो होता था CIC जो होता था, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता था, बिना किसी भय के जो है काम कर सकता था। बट अब जो है उसे डर डर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एज़ पर द विल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो जब चाहे तब अपॉइंट कर दे, जब चाहे तब निकाल दे। इसके अलावा जो अमेंडमेंट प्रोसेसेस है उसमें जो है किसी भी सिटीजन से कंसल्टेशन नहीं लिया गया है, और स्टैंडिंग कमेटी को भी इसमें बाईपास कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए मैंडेटरी जो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टिव पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी इग्नोर की गई है। इसके अलावा जो फंडामेंटल नेचर है RTI का, वो ही पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इन इंडिया और अमेंडमेंट जो है उनको रिलुक करने की जो ज़रूरत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी उसमें बस इतना ही। हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 9994943600 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर आपने दिए हैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद। 2000 हम पार करने वाले हैं आप लोगों के साथ और प्यार की बदौलत। तो जो है आप IAS से आप जुड़ने के लिए जो ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए जो है आप IAS सर्च कीजिए, फेसबुक पर आप IAS14 और आप /IAS करके आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आप IAS.help@gmail.com पे आप सर्च कीजिए तो आपको मिल जाएगा मेल करने के लिए अगर कोई भी दिक्कत है, और 9994943600 पर आप हमें जो है अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो जो रहेगी दोस्तों वो अगस्त वीक की रहेगी, तो कृपया ये सीरीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी UPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।